हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल योर्स। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हिमांशु। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और काफ़ी बच्चे भी बड़े क्यूरियस रहते हैं और बड़े भी क्यूरियस रहते हैं कि एयर कंडीशनर आखिर काम कैसे करता है, चाहे वो गाड़ी का हो आपकी, चाहे वो घर का हो, दोनों ही कैसे काम करते हैं, क्या उसके क्रूशल कंपोनेंट्स होते हैं, गैस क्या होती है या इवेपोरेटर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, फिल्टर क्या काम करता है, फ़ैन कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों को मैं कवर करूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, तो पूरी वीडियो देखिएगा। मैं क्लेम कर सकता हूं कि शायद आपने इंजीनियरिंग के टाइम पे भी इतना डिटेल में कभी नहीं समझा होगा, पढ़ा होगा ज़रूर लेकिन समझा नहीं होगा। तो आज की अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपकी नॉलेज काफ़ी एनहेंस हो जाएगी, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ और पूरी वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपन। तो वीडियो शुरू करने से सबसे पहले आप ये समझिए कि एयर कंडीशनर होता क्या है। एयर कंडीशनर केवल ये नहीं है मतलब कि जिसका काम ठंडा करना होता है, इसका मतलब होता है एयर को कंडीशन करना ह्यूमन कंफर्ट के अकॉर्डिंग, कि ह्यूमन बीइंग जिसमें कंफर्टेबल फील करे उसके हिसाब से आप कंडीशन कर सकते हैं, चाहे वो कंडीशन ह्यूमिडिटी की फॉर्म में हो चाहे टेम्परेचर की फॉर्म में हो। जैसे सर्दियाँ आती है तो आपको गर्म चाहिए होता है और गर्मियाँ आती है तो आपको ठंडक चाहिए होती है, यानी ह्यूमन बॉडी जो है अराउंड 25-26 डिग्री सेल्सियस पे कंफर्ट फील करती है। तो एयर कंडीशनर का काम भी यही होता है कि आपको कंफर्टेबल फील कराना, ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल करना, एयर को ठंडा करना या गर्म करना, तो दोनों काम हो सकते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है एयर कंडीशनर का, कि एयर कंडीशनर कैसे क्या क्या कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कंप्रेसर दिखाया हुआ है, इसमें कंडेंसर एंड फैन यूनिट दिखाई हुई है, ड्रायर दिखाया हुआ है, इवेपोरेटर एंड ब्लोअर यूनिट दिखाया हुआ है और साथ में ही एक एक्सपेंशन वाल्व दिखाया हुआ है। अब इसमें आपके दो लाइन अलग अलग कलर्स में डिनोट करी गई हैं। हाई प्रेशर लाइन को रेड कलर से डिनोट किया है, मीडियम प्रेशर लाइन को येलो कलर से और लो प्रेशर लाइन को ब्लू एंड ग्रीन कलर से, एक्वा ग्रीन कलर से आपका डिनोट किया हुआ है। फंक्शनैलिटी की बात शुरू करने से पहले सबसे पहले आप क्रूशल कंपोनेंट्स को समझिए। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं गाड़ी का कंप्रेसर है, आपकी कार का कंप्रेसर है, इस टाइप का होता है ये। 5 पिस्टन का भी हो सकता है, 6 पिस्टन का भी हो सकता है। जो पुली ड्रिवन होता है ये इंजन ड्राइव करता है। ये आप आगे पुली देख रहे हैं, इसके पीछे एक क्लच कॉइल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच होता है। तो ये क्लच का क्या काम होता है, जैसे ही आप अंदर बटन ऑन करते हैं तो वो एक लैचिंग सर्किट होता है, वो लैचिंग सर्किट सिग्नल देता है कि रिले ऑन कर दो। रिले ऑन होते ही ये क्लच जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज हो जाता है और इसको एंगेज कर देता है, पुली को एंगेज कर देता है, जिससे अंदर का जो मेन शाफ्ट है जो वॉबल प्लेट को चलाता है वो एंगेज हो जाता है और कंप्रेसर स्टार्ट करना शुरू हो जाता है। जब तक हम वो बटन नहीं दबाते, जब तक ये क्लच एंगेज नहीं होता, तब तक ये फ्री व्हील के जैसे घूमता रहता है विदाउट एनी लोड। सिमिलरली घर के जो कंप्रेसर होते हैं, जैसे आप रोटरी कंप्रेसर देख रहे हैं ये इमेज में, ये हर्मेटिक टाइप होते हैं। हर्मेटिक का मतलब होता है कि इनकी प्राइम मूवर जो मोटर होती है वो अंदर ही होता है, इसको कोई एक्सटर्नल ड्राइव की जरूरत नहीं होती और ये इलेक्ट्रिसिटी से ड्राइव होते हैं। अब ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये एक स्प्लिट एसी का एवेपरेटर कॉइल है। ये सेकंड मोस्ट क्रूशल कंपोनेंट है, जो जिसको हम कूलिंग कॉइल भी कहते हैं, जो इंडोर साइड में रहता है आपकी, जहाँ पे आपको ठंडक हवा चाहिए होती है, जहाँ ठंडी हवा चाहिए होती है, ये उस साइड पे रहता है। इसी के पीछे आपके सेंट्रीफ्यूगल एक फ़ैन लगा रहता है जो इस कॉइल में से एयर को सर्कुलेट करवाता है, यानी कॉइल में से पार करेगा, ठंडी होएगी और वो आपके रूम में भेज देगा। सिमिलरली एक कंडेंसर यूनिट है जो तीसरा मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट है। इसका काम होता है कंडेंस करना गैस को और हीट को रेडिएट करना, बाहर हीट को फेंकता है। इसके पीछे एक एक्सियल फैन लगाते हैं हम, उसमें हम जो होता है सेंट्रिफ्यूगल फैन लगाते हैं, इसमें हम एक्सियल फैन लगाते हैं क्योंकि एक्सियल फैन का फ्लो अच्छा होता है और वो बाहर से हवा खींचता है और अंदर की साइड फेंकता है, यानी बाहर से खींचेगा जैसे आपका सीलिंग फैन होता है वो एक एक्सियल फैन है वैसे ही, और सेंट्रीफ्यूगल फैन जो होता है वो अंदर से हवा खींचता है और बाहर की साइड रेडियली आउटवर्ड फेंकता है हवा को। अब चौथे जो मेन कंपोनेंट है, सबसे क्रूशियल कंपोनेंट जिसको आप कह सकते हैं बिना जिसके कूलिंग इफेक्ट जनरेट ही नहीं होगा, वो होता है हमारा रेफ्रिजरेंट, जो आपको मैंने इमेज में दिखाया है। ये रेफ्रिजरेंट नंबर 134A है, R134A भी बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट नंबर होता है। बेसिकली ये टेट्राफ्लोरोइथेन होता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन या हेलो एल्केन हम इनको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। अलग अलग टाइप के रेफ्रिजरेंट होते हैं, उनका अलग अलग नंबर होता है एप्लीकेशन के हिसाब से और उनके हैज़र्ड के हिसाब से। जैसे आपने सुना होगा CFC फ्री है या ओजोन लेयर को ये डिप्लीट कर सकते हैं, तो ये जो रेफ्रिजरेंट है ये सेफ़ है कंपैरेटिवली, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -26 डिग्री होता है, यानी ये -26 डिग्री पे भी बॉयल हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये -26 डिग्री पे मैंने इतना एम्फेसाइज किया। और ये एक कलरलेस और नॉन फ्लेमेबल गैस होती है। जब इसको हम कंप्रेसर में डालते हैं तो इसके साथ में हम एक ल्यूब्रिकेंट भी चलाना पड़ता है, सिलिकॉन बेस्ड ल्यूब्रिकेंट होता है जो कंप्रेसर को ल्यूब्रिकेशन देता है और उसको फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ताकि उसमें सीजन ना हो, सीज ना करे वो और स्मूथली वर्क करता रहे।
दोस्तों ये गैस जो होती है थोड़ी सी हैजार्डियस भी होती है, तो बचपन में सभी दोस्तों ने पढ़ा होता होगा है ये। स्टेट्स ऑफ तो मैटर बच्चे कि लोगों हमारे को पास मैं और सॉलिड बड़ों होते को हैं, भी यही लिक्विड होते बताऊंगा हैं, कि गैस जब होते भी हैं। और गैस का मतलब काम अगर हो रहा इसका हो तो स्ट्रक्चर आप कैसे मुंह होता पे है, मास्क हमारा पहने बॉडी और कुछ दूर ही देख रहें सकते हैं, थोड़ा हमारा सा, मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हैजार्डियस होती तो है किसी ये भी मैटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होता है। सॉलिड में पास पास होता है, लिक्विड में आप देख रहे हो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं। अगर आप मैं आपसे बात करूं कि अगर मेरे को इस गैस को लिक्विफाई करना है, यानी इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना पड़ेगा। ये मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो शायद ये लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अब ये लिक्विफिकेशन का काम क्या कैसे कर सकते हैं हम इसको, तो आपने बॉयल्स लॉ अगर पढ़ा हो और चार्ल्स लॉ अगर पढ़ा हो, तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ये। तो क्या है, आप देख सकते हो कि ये एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है। सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, इसके अंदर हमने गैस रखी है, गैस रखी है। अब अगर हम इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेंगे और इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये जो अंदर मॉलिक्यूल्स थे, ये पास पास आ जाएंगे। अब जब ये पास आएंगे तो क्या हुआ, वॉल्यूम जो हुआ वो कम हो गया, वॉल्यूम रिड्यूस हुआ, लेकिन टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, लेकिन ये लिक्विफाई हो गई है गैस, ठीक है। अब इसको आपको ध्यान अब रखना है, गैस गैस लिक्विफाई हो गई है, प्रेशर बढ़ गया है, गैस का स्टेट चेंज हो गया है, क्योंकि ये गैस से अब लिक्विड में आ गई है और इसका टेम्परेचर काफी बढ़ गया है। तो अब एयर कंडीशनिंग में ये चीज कैसे काम आती है, आपके पास रेफ्रिजरेंट है R134, R134A जो रेफ्रिजरेंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आप याद रखिएगा -26.3 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ठीक है। दोस्तों काफी लोगों के मन में सवाल आया होगा कि ये बॉइलिंग पॉइंट का हमें क्या करना है, या क्यों मैंने बॉइलिंग पॉइंट पे इतना एम्फेसाइज किया। तो मैं एक बड़ा जनरल सा फेनोमेना जो सबने एक्सपीरियंस किया होगा पहले उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम स्कीमेटिक्स पे आएंगे। तो जनरल फिनोमिना की अगर बात करूं मैं, अगर बच्चों से पूछूं कि आप पेट्रोल हाथ में लेते हैं या थिनर हाथ में लेते हैं तो आपको ठंडा लगता है कि नहीं लगता, तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल लगता है। आजकल सैनिटाइजर हाथ में ले रहे हैं तो क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल होता है, तो आपको एक ठंडक वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती, कि ये ठंडा लग रहा है। वो क्यों आती है दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल जो है वो लिक्विफाइड फॉर्म में है, और जब और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है, यानी जब आपके हाथ पे अगर वो टच होता है या आपकी बॉडी पे अगर टच होता है, तो वो आपकी बॉडी की हीट यूज करके, उस हीट को एब्जॉर्ब करके वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एवेपरेट हो जाता है। सिमिलरली इसीलिए आपको कूलिंग इफेक्ट जो है आपके हाथ पे फील होता है, क्योंकि उसने आपकी हीट, आपके हैंड की हीट को एब्जॉर्ब किया, उसकी मदद से वो इवेपरेट हुआ। इवेपरेट हुआ तो आपकी जहाँ जिस एरिया पे वो टच था वहां की हीट उसने एब्जॉर्ब करके आपको एक कूलिंग इफेक्ट दिया। सिमिलरली अब ये जो गैस होती है, क्योंकि जिसका मैंने बताया आपको कि इसका जो ये कैमोस कंपनी सबसे अच्छी गैस बनाती है, अगर मैं वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जिसका ब्रांड आता है फ्रियोन, बहुत फेमस है, कई लोग इसको फ्रियोन भी बोलते हैं। तो ये जो रेफ्रिजरेंट नंबर हमारा R134A है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -26.3 डिग्री होता है, यानी ये माइनस आप बर्फ में भी ले जाओगे लिक्विफाई करके तब भी ये इवेपरेट हो जाएगी। तो सोचो इसको बहुत कम हीट चाहिए इवेपरेट होने के लिए, -26 डिग्री पे इवेपरेट हो जाती है। अब क्या हुआ, आपके कंप्रेसर ने इस गैस को कंप्रेस किया। सबसे पहले इसके अंदर R134 हमने भर रखी है, R134A जो है इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद ये लिक्विफाई हो गई और हाई प्रेशर में आ गया ये, तो हम इसको हाई प्रेशर लाइन बोलते हैं, जिसको आप टच करोगे तो काफी गर्म होती है ये, हॉट लगेगी आपको छूने में, क्योंकि जैसा कि आपको बताया था बॉयल्स लॉ, किसी भी गैस का अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा और वॉल्यूम जो है कम करेगा। चार्ल्स लॉ में भी यही PV इज इक्वल टू NRT जो आपका रिलेशन है वही समझाया गया है, कि प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है आपस में। तो बॉयल्स लॉ याद रखिए कि इसलिए ये वाली लाइन होती है, हाई प्रेशर लाइन जो होती है वो हॉट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर लिक्विफाइड गैस है, लिक्विड स्टेट में है अभी, और इस लिक्विड स्टेट को हम भेजते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर का नाम से ही आपको पता लग रहा है, जो कि कंडेंस करता हो गैस को लिक्विड में, ठीक है। अब ये लिक्विड को हमें लिक्विफाइड ही रखना है, हम चाहते हैं कि ये गैस ना बने, तो हमें क्या करना होगा, इसकी हीट रिमूव करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें इसकी गर्मी जो है वो जितना हो सकता है उतनी कम करनी पड़ेगी, ताकि ये खुद की हीट से ही दोबारा इवेपरेट होके गैस ना बन जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपके आउटडोर यूनिट होती है एसी की, उसमें एक फैन लगा रहता है, एक्सियल फैन लगा रहता है, तो एक्सियल ये फैन आप में एक्सियल फैन देख रहे हैं, ये क्या करेगा, ये यहाँ से एटमोस्फेरिक एयर जो है सक करेगा, इसमें से पार करेगा और इसको बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे
सॉरी, यहाँ से बाहर फेंक देगा, ठीक है। ये एक क्लोज उसके अंदर मतलब सिस्टम के अंदर होता है, तो यहाँ से सब जगह से एयर सक करके और हॉट एयर जो है वो बाहर निकाल देता है। ये आउटसाइड टेम्परेचर इस पे लगा और इसने है बाहर तो निकाल इसकी दिया। हीट रेडिएट हो जाती है और बाहर आपको गर्म हवा जो वार्म एयर आती है, आप देखते हैं वार्म एयर आती है, वो इसी कारण आती है बाहर की साइड, ये इसकी हीट रेडिएट कर देता है। अब इस जो लिक्विफाइड गैस है इसके पास थोड़ी सी सेल्फ हीट कम बची है और ये कंडेंस होके प्योर लिक्विड में आ गई है। अब लिक्विड में आ गई है तो ये बाकी, क्योंकि ये क्लोज लूप सिस्टम है पूरा, ये गैस कहीं बाहर नहीं निकलती है, एक ही क्लोज साइकिल में घूमती रहती है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर इसमें मॉइस्चर आ गया तो ये कंप्रेसर को हार्म पहुंचा सकती है, कि अगर कंप्रेसर में पानी आ गया या मॉइस्चर जनरेट हो गया तो ये कंप्रेसर को खराब कर सकती है, इसके रिंग खराब हो सकते हैं और ये सीज हो सकता है, जैम हो सकता है। इसलिए इसके बाद हम लगाते हैं ड्रायर यूनिट। अब इस ड्रायर यूनिट का नाम से ही आपको पता लग रहा है, ड्रायर यूनिट का काम होता है गैस को ड्राई करना, यानी लिक्विफाइड जो गैस है उसको ड्राई करना है। इसके अंदर एलिमेंट होता है एक फिल्टर एलिमेंट टाइप का, वो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारी लिक्विड स्टेट में गैस है हाई प्रेशर में, वो जाएगी एक्सपेंशन वॉल्व में, जहाँ पे एक प्रोसीजर होता है। एक्सपेंशन वॉल्व आपको नाम से ही लग रहा है, कुछ चीज़ एक्सपेंड होगी यहाँ पे, ठीक है। ये मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, सॉरी इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी हो सकता है। वैसे मैकेनिकल वॉल्व भी यूज़ करते हैं और फिक्स पोजिशन में यूज़ करते हैं, वेरिएबल पोजिशन में भी आता है। अब वो थोड़ा टॉपिक लंबा हो जाएगा अगर मैं हीट पंप वगैरह की बात करूंगा, तो इसको यहीं लिमिट कर देते हैं कि ये एक्सपेंशन वॉल्व होता है। एक्सपेंशन वॉल्व में क्या फिनोमिना होता है, हम गैस की कराते हैं थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग कराने का मतलब ये है कि अगर आप हाई प्रेशर गैस को किसी पतले से ऑरिफिस में से निकालोगे तो उसका प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा और वो एक्सपैंड करेगी। यानी आप जैसे अपने डीओ का स्प्रे देखते हो, तो आप ऐसे स्प्रे मारते हो तो वो एक्सपैंड होके वो फैल के जाता है पूरा, ऐसा नहीं कि आपको धार मिल रही है, धार नहीं मिलती, वो फैलती है, ठीक है। तो यही फिनोमिना यहाँ पे होता है कि आप एक्सपैंड करते हो। अब जब ये गैस एक्सपैंड होती है, तो गैस एक्सपैंड होने के बाद इसको यहाँ पे आसपास से जो एटमॉस्फेयर की हीट है वो मिलने लगती है। अब हीट मिलेगी तो ये क्या करेगी, ये हीट आसपास की हीट को एब्जॉर्ब करेगी और खुद वापस गैस बनना चाहेगी, क्योंकि ये लिक्विफाई कर दी थी हमने जबरदस्ती की, लेकिन इसकी नेचुरल स्टेट तो गैस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, इसलिए इसको थोड़ी बहुत भी हीट मिलती है आसपास से, -26 डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको तो अगर 10-20 डिग्री भी मिलता है तो ये लिक्विफाई होने के लिए इसके लिए बहुत है, इसको इतनी चाहिए। जैसे आपका पानी गर्म होता है, पानी वेपर में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री पे, उसी तरह से ये गैस -26 डिग्री पे गैस बन जाती है, तो हमारी आसपास की जो हीट है, रूम की हीट है वगैरह है, वो सारी एब्जॉर्ब करके दोबारा गैस में बन जाती है, दोबारा गैस हो जाती है। लेकिन अभी क्योंकि ये पीछे से गैस आए जा रही है तो ये आगे बढ़ती है। अब ये इसका कुछ नहीं होगा, इवेपोरेटर में ये एक्सपैंड ही होगी, आसपास से हीट जो है उसको एब्जॉर्ब करके दोबारा जो है गैस में बन जाएगी। इसी चीज का इवेपोरेटर फायदा साइड का आप स्कीमेटिक देख लीजिए, जैसे आपका विंडो एसी है तो आपने देखा होगा यहाँ पे कूलिंग कॉइल होती है, इवेपोरेटर होता है, इसके नीचे वाटर ट्रे होती है, क्योंकि जब रूम की हवा इस पे टकराती है, रूम की हवा जाती है ह्यूमिडिटी के साथ में, तो वो कंडेंस होके पानी बन जाती है, पानी बन के वो पानी इसमें वाटर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। इसके पहले ही आपका एक हैपा फिल्टर लगा रहता है, हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट अरेस्टर जिसको बोलते हैं हम। हैपा अच्छी कंपनी के एसीज में होता है, बाकी नॉर्मल नहीं तो नायलॉन का फिल्टर भी होता है, नायलॉन मैश होती है, सिंपल सी नायलॉन मैश बोल दो आप उसको, ठीक है। मैश कोई भी मैश यूज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो जैसे ये सेंट्रिफ्यूगल फैन यहाँ से हवा सक कर रहा है रूम की, तो रूम के साथ डस्ट वगैरह भी आती है, वो डस्ट इसको चोक ना करे, आपके इवेपोरेटर को चोक ना करे, इसमें जो फिन्स होती हैं उनको चोक ना करे और इसकी एफिशिएंसी उतनी रहे, इसलिए उससे पहले एक फिल्टर लगाया जाता है। अब ये फैन में हवा आ गई, इससे ठंडी होके मतलब जब गर्म हवा रूम के टकराई इस पे और ये फैन ने खींची और फैन ने इसको यहाँ से बाहर फेंक दिया, ठीक है। बाहर आपको ठंडी हवा मिल जाएगी, आपका कंट्रोल पैनल साइड में जो होता है ये वाला, तो इसी तरीके से ये रूम के अंदर रिसर्कुलेशन में है रहता है पूरा। कि हम एक फैन लगा देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फैन लगा देते हैं, जिसके आगे ये फिल्टर एलिमेंट आप देख सकते हो, जो आपका इंडोर का एयर फिल्टर होता है वो वाला ही है। ये सेंट्रीफ्यूगल फैन क्या करता है, बीच से हवा खींचता है और साइड से फेंकता है, यानी आपके वेंट जो है वो साइड से यहाँ पे ठंडी हवा निकलती है। वो कैसे निकलती है कि आप गैस इसमें अपने आपको दोबारा गैस बनने की कोशिश कर रही है, लिक्विफाइड स्टेट जो है आसपास से हीट एब्जॉर्ब कर रही है, मीन वाइल आपके रूम के अंदर ये फैन जो है फोर्स्ड एयर इसके अंदर से पार करवाता है, कि गर्म हवा इस पे टकराएगी और गर्म हवा इस फिल्टर में से
इस इवेपोरेटर पर टकरा के ठंडी होगी, क्योंकि वो गैस को अपनी गर्मी गर्मी दे देगी उसको गैस बनने के लिए, और यहाँ से जो है फिल्टर के थ्रू होते हुए आपके रूम के अंदर चली जाएगी। ये क्लोज लूप साइकिल है, रिसर्कुलेशन में रहता है, बार बार यही चीजें फिनोमिना होते रहते हैं, इसलिए शुरुआत में एसी की कूलिंग इफेक्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यही फिनोमिना होता है। अब जब ये इसने हीट अब्जॉर्ब कर ली है, दोबारा गैस बन गई है, तो ये लो प्रेशर में आ गई है। अब ये दोबारा लो प्रेशर में आके हम इसको दोबारा कंप्रेसर के अंदर भेज देते हैं, और ये इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। देखिए कंडेंसर के ऊपर फिन होते हैं जो कि हीट को रेडिएट करने में मदद करती है, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ा देती है। और ये जो हमारी ट्यूबिंग होती है ना, ये हम कॉपर या एल्यूमिनियम की यूज़ करते हैं कॉमनली, क्योंकि उनका थर्मल कोफिशेंट अच्छा होता है, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। आपको ये सबको पता है कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली एल्यूमिनियम भी, एल्यूमिनियम थोड़ा लो कॉस्ट होता है, कॉपर थोड़ा हाई कॉस्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम का थोड़ा वेट कम होता है। तो गाड़ी वगैरह में हम एल्यूमिनियम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वेट का काफ़ी कंसिड्रेशन होता है वहाँ पे। और घर में हम बोलते हैं कि कॉपर कंडेंसर होना चाहिए और कॉपर इवेपोरेटर होना चाहिए, क्योंकि कॉपर जो है काफ़ी अच्छा मेटल है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, उसका कोरोजन रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली अच्छा है अगर हम एल्यूमिनियम से कंपेयर करें। तो ये आपकी हो गई एसी की फंक्शनिंग। कुछ नहीं हुआ, गैस कंप्रेस हुई, गैस लिक्विफाई हो गई, लिक्विफाई हो गई उसका टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन क्योंकि वो गैस बनना चाहती है तो उसको हीट चाहिए, लेकिन हम जबरदस्ती उसकी हीट को निकाल देते हैं, उसकी जो सेल्फ हीट होती है उसको हम निकाल देते हैं फैन के थ्रू, फोर्स्ड एयर से हीट रेडिएट करा देते हैं, जिसके कारण बाहर गर्म हवा आती है, और उसको हम फिर ड्राई करते हैं गैस को। ड्राई करने के बाद एक्सपेंशन वॉल्व में जाती है, जहां धीरे धीरे थ्रॉटलिंग करते हैं उस गैस की, उस लिक्विफाइड गैस की, जिससे क्या होता है उसको एक सरफेस एरिया मिल जाता है। ये सरफेस एरिया मिल गया, देखिए इवेपोरेटर और कंडेंसर में हम कुछ नहीं करते, हम सरफेस एरिया ही बढ़ाते हैं, बहुत सारी कॉइल आ जाती है ऐसे ऐसे मल्टीपल, तो सरफेस एरिया काफी बढ़ गया। छोटे से एरिया में आप बहुत सारी सरफेस एरिया को बढ़ा दिया है आपने। तो इसी तरीके से फिर ये लो प्रेशर लाइन में आ जाती है, दोबारा गैस बन जाती है, सारी हीट एब्जॉर्ब करके कमरे की, और खुद को गैस बना लेती है उस हीट की मदद से, और वापस ये रिसर्कुलेशन में रहता है। इसी के साथ यहाँ पे आपके थर्मोस्टेट्स लगे रहते हैं, थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। कि ये थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, कि जब एक सर्टेन लिमिट पहुंच गई, मान लो आपने 24 डिग्री पे सेट किया हुआ है टेम्परेचर, तो जब ये 24 डिग्री इस पे हवा टकराएगी, 24 डिग्री वाली ये थर्मोस्टेट यहाँ पे होता है जैसे, तो ये सिग्नल कर देगा रिले को कि कट आउट मार दो। कट आउट किसका मार दो, कंप्रेसर का, कंप्रेसर को कट कर दो कि 24 डिग्री हो गया है, कट कर दो, ठीक है, ताकि इस पे फ्रीजिंग ना हो, आइसिंग ना हो, और हवा आपकी रेगुलर आती रहे और एक कंफर्टेबल टेम्परेचर आपके रूम का मेंटेन रहे। तो ये थर्मोस्टेट का रूल होता है। ऐसे ही पीछे एक थर्मोस्टेट होता है हाई प्रेशर लाइन पे, ये एक मिटिगेशन की जैसे होता है कि कभी कभी अगर फैन बंद हो गया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस केस में लाइन जो है वो बर्स्ट कर सकती, लीक कर सकती है, तो उसको बचाने के लिए एक थर्मोस्टेट लगा रहता है। इसका भी यही काम होता है, जब टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है इसका एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा, तो ये इसको सिग्नल देता है कि ट्रिप कर दो कंप्रेसर को, कंप्रेसर बंद कर दो, ठीक है। इसी तरह एक थर्मल रिले आपकी कंप्रेसर के ऊपर लगी रहती है, कंप्रेसर का टेम्परेचर मॉनिटर करती रहती है। अगर कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है तो ये इसको ट्रिप मार देती है। तो ये थर्मोस्टेट के फंक्शन होते हैं, जो आप रिमोट से सेट करते हो कि 24 डिग्री सेट कर दो, तो वो 24 डिग्री कुछ नहीं, आप ट्रिगरिंग सेट कर रहे हो। ये थर्मोस्टेट पे जब अंदर की इंडोर की एयर 24 डिग्री पे आएगी तो वो उसको सिग्नल कर देगा और कंप्रेसर को ट्रिप कर देगा। इसी तरह आपका रूम का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा। ये आपकी इनसाइड साइड का मैंने डायग्राम बनाया है और ये आउटसाइड का। अब यही बेसिक फंक्शनैलिटी होती है। अब ये कंप्रेसर ही है, जैसे गाड़ी में इसको इंजन ड्राइव करता है, घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव करती है। तो बस यही डिफरेंस होता है गाड़ी के और रूम के एयर कंडीशनर में मेनली। बाकी छोटे छोटे और डिफरेंसेस होते हैं, वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई ऑलरेडी। तो यही थी मोटा मोटी फंक्शनैलिटी। अगर आपको और भी क्वेश्चन हो और डिटेल में जाननी है कोई चीज, तो आप बिल्कुल मेरे से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करिएगा। और कोई सजेशन हो या कोई गलती हुई हो तो वो उसको भी पॉइंट आउट करिएगा। और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज बनाऊँ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.